Apple activate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, student. Today we will start our new topic, and it is from the subject of management of physically challenged children, PCC, course code as usual as PED 3132. This is our fresh chapter, a new chapter, and this is chapter number 4, and the name of chapter number 4 is functional limitations caused by orthopedic impairments. Means orthopedic impairment ki wajah se jo functional limitations hoti hain, hum zara unko discuss karenge, kahan pe difficulty hoti hai kaam karne mein. So till now we have completed our 3 chapters successfully for these subjects. So now we are going to start our fresh lecture. So before going to start our topic today, I would like to have agenda for you people. So after successful completion of this topic, students will be able to define orthopedic impairment, elaborate number 2, specific teaching techniques. Students with orthopedic impairment describe number point number 3, describe orthopedic impairment by IGEA 2004, explain the causes of orthopedic impairment, number next, define the common orthopedic impairments which are found in school age children, so these are the 5 directions as an agenda that we will work on today, and I'm sure that we will have the good and quality learning today inshallah. So I would like to start from the definition of orthopedic impairment. Orthopedic impairment is defined as a severe orthopedic impairment that adversely affects a child's educational performance. Orthopedic impairment ko is tarah define kiya jata hai ki aisi orthopedic impairment जो कि बच्चे की जो एजुकेशन परफॉर्मेंस होती है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, अफेक्ट करती है. द टर्म इंक्लूड इम्पेयरमेंट कॉज्ड बाय कॉन्जेनिटल एनोमली. ये कॉन्जेनिटल हो सकती है, फॉर एग्जांपल क्लब फुट, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, एब्सेंस ऑफ सम मेंबर्स or any organ like that. Impairment caused by disease, kisi disease ki wajah se bhi impairment ho sakti hai, for example poliomyelitis, bone tuberculosis or etc. And impairment from other causes, other causes ki wajah se bhi impairment possible hai, for example cerebral palsy, amputation and fracture burns that caused contractures.
तो ये हमने तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा कि ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट किस उसमें चीज़ों में किस तरह के नामों में कंसिडर की जा सकती है। अच्छा, अभी हम देखते हैं प्रेवलेंस इन यूएस। अमेरिका में इसकी प्रेवलेंस क्या है? द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स 5,971 एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट द फिगर अगेन। 5,971, 495 इन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इन द ईयर 2003 एंड 2004 स्कूल ईयर। ड्यूरिंग दैट नंबर ओनली 1.1% और 68.188 स्टूडेंट्स रिसीव स्पेशल एजुकेशन बेस्ड ऑन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स। मतलब ये यूएस के हवाले से हमारे पास कुछ फिगर्स हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1.1% ऐसे थे जो स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट थे और वो स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज रिसीव कर रहे थे। अब हम देखते हैं ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये जहन में रखें स्टूडेंट के, ये हमारे चैप्टर नंबर 4 जो हमने स्टार्ट किया, ये उसका एक इंट्रोडक्शन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव है कि आगे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना क्या है। तो इस वजह से हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल के साथ एक इस लेक्चर में यकीन हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है तो मैंने इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स से बात करें तो इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट आइडिया थ्रू 2004 के मुताबिक कैटेगरीज ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में कई तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। दीज कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री मेन एरियाज। इन डिसऑर्डर्स को हम तीन डिफरेंट एरियाज में या तीन मेजर एरियाज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे है न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट्स, नंबर 2 डीजनरेटिव डिजीजेज, नंबर 3 मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो ये तीन एरियाज हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की। द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज एन ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट विल डिपेंड ऑन बोथ स्पेसिफिक डिजीज एंड इट्स सेवेरिटी। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिजीज़ और उसका जो सेवेरिटी लेवल है उस पर डिपेंड करता है, एज वेल एज इंडिविजुअल एडिशनल फैक्टर। इंडिविजुअल के साथ जो एडिशनल फैक्टर्स अटैच हैं उन पर भी डिपेंड करता है। न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट क्या है इसको ज़रा देख लेते हैं। न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट इज एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ और डैमेज टू द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम दैट सेंड इम्पल्सेस टू द मसल्स ऑफ द बॉडी। न्यूरो मोटर, न्यूरो न्यूरॉन्स, मोटर आपकी मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन को कहते हैं। तो न्यूरॉन्स आपके इल्म में है कि मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मूव करते हैं। तो उन न्यूरॉन्स में किसी भी तरह का कोई डैमेज, कोई इंजरी या कोई डिस्टर्बेंस, दिस कैन कॉज न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट। दीज इम्पेयरमेंट्स आर रिक्वायर्ड और एट बर्थ और बिफोर बर्थ। रिक्वायर्ड होती हैं यानी कि कॉन्जेनिटल भी हो सकती हैं। आई मीन टू से के कॉन्जेनिटल तो नहीं कह सकते बल्कि एक्वायर्ड ही कहेंगे कि वो चूँकि इम्पेयरमेंट है और इन एनी सेंस बिफोर बर्थ इट कैन अकर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड और एम्ब्रियोनिक स्टेज।
एंड ऑफन रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स मोटर प्रॉब्लम्स दैट कैन अफेक्ट सेवरल बॉडी सिस्टम। इस तरह के मोटर इम्पेयरमेंट्स हो सकती है कि वो बॉडी के कई मूवमेंट्स को मुतासर कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। दीज मोटर प्रॉब्लम्स कैन इंक्लूड लिमिटेड लिम मूवमेंट। इन मोटर प्रॉब्लम में क्या क्या शामिल है? लिमिटेड लिम मूवमेंट शामिल है, लॉस ऑफ यूरिनरी कंट्रोल है, यूरिनरी कंट्रोल, यूरिन का जो सिस्टम है वो उसका लॉस हो सकता है, एंड लॉस ऑफ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड का इशू हो सकता है। द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट्स आर, अभी न्यूरो मोटर इम्पेयरमेंट्स की टाइप कौन सी चीज़ ज़रा देख लेते हैं। नंबर वन सेरेब्रल पॉल्जी, नंबर टू स्पाइना बिफिडा, ये दो मोस्ट कॉमन न्यूरो मोटर प्रॉब्लम्स हैं। अब थोड़ा सा अगर हम सेरेब्रल पॉल्जी को देख लें, सेरेब्रल पॉल्जी रेफर्स टू सेवरल नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट और पोस्चर दैट आर कॉज बाय माल फंक्शनिंग ऑफ और डैमेज टू द डिवेलपिंग ब्रेन दैट अकर्स बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ विद इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी के पहले चंद साल में, बिफोर डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, कोई भी डैमेज या इंजरी टू द ब्रेन रिजल्ट होता है सेरेब्रल पॉल्जी का। इंडिविजुअल विद सेरेब्रल पॉल्जी हैव एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री एंड अनकोऑर्डिनेटेड मोटर मूवमेंट्स। ये जो इंडिविजुअल होते हैं सेरेब्रल पॉल्जी के शिकार जो बच्चे होते हैं, इनकी जो मोटर मूवमेंट्स होते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटी होती है, अनकंट्रोल मूवमेंट होता है। फोर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्जी इंक्लूड, सेरेब्रल पॉल्जी के जो चार मोस्ट बेसिक टाइप्स हैं अगर देखते हैं, इसमें स्पैस्टिक है, नंबर वन स्पैस्टिक, इसमें टाइट मसल्स होते हैं ना, जिसमें स्टिफनेस ऑफ द मसल्स भी है और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। नंबर टू एथेटॉइड, इसमें मूवमेंट है ना वो कंट्रॉटेड हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं और पर्पज लेस हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट कह सकते हैं। नंबर थ्री पे है अटैक्सिक, इसमें पुअर बैलेंस है एंड इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड वॉलेंट्री मूवमेंट। इक्विलिब्रियम कहते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस को ना, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं ना, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। तो अटैक्सिक में पुअर बैलेंस होता है, पुअर इक्विलिब्रियम होता है। नंबर फोर पे है मिक्स, तो ये जो हमने तीन टाइप्स इसके पढ़े इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, स्पैस्टिक है, एथेटॉइड है या अटैक्सिक है, इनका कॉम्बिनेशन फिर वो मिक्स में फॉल कर जाएगा। तो ये फोर बेसिक टाइप्स हैं सेरेब्रल पॉल्जी की। अब देखते हैं इस क्लासिफिकेशन क्या है सेरेब्रल पॉल्जी की। सेरेब्रल पॉल्जी को क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा बाजू का जो हिस्सा है या जो लिम्ब है बॉडी का या टांगों का जो लेग्स का अफेक्टेड मुतासर है। मेजर क्लासिफिकेशन जो है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। इसमें नंबर वन पे हेमिप्लेजिया, कोई एक साइड डैमेज होगी या लेफ्ट या राइट पैरालाइज होगी। नंबर टू डायप्लेजिया, लेग्स अफेक्ट होंगी मोर देन आर्म्स। थ्री पे पैराप्लेजिया, ओनली लेग्स मुतासर होंगी इसमें। नंबर फोर
क्वाड्रीप्लेजिया, ऑल फोर लिम, दोनों टांगे और दोनों बाजू एक साथ पैरालाइज होंगे। तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन इसकी क्लासिफिकेशन है सेरेब्रल पॉल्जी की। इसके अलावा टेट्राप्लेजिया भी होता है, लेकिन वो मैंने जहाँ पे मेंशन किया नहीं है, चेतन आपको बता देता हूँ। टेट्राप्लेजिया दो बाजू, कोई दो लिम, दो अगर बाजू हैं तो एक टांग होगी, अगर दो टांग हैं तो एक बाजू, इस तरह टेट्राप्लेजिया। मोनोप्लेजिया भी होता है कि बॉडी का कोई एक जो ऑर्गन है वो पैरालाइज होता है, डैमेज होता है। तो नेक्स्ट है स्पाइना बोफिडा। इसे डेवलपमेंटल डिफेक्ट, स्पाइना बोफिडा एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है स्पाइनल कॉलम का। स्पाइना बोफिडा इज कैरेक्टराइज बाय एन एबनॉर्मल ओपनिंग। इसको एक ओपनिंग की वजह से कैरेक्टराइज किया जाता है। अब ये एबनॉर्मल ओपनिंग कहाँ पे है? ये हमारे स्पाइनल कॉलम में होती है और इसमें हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों का जो पैरालिसिस या पैरालाइज होना है, फालिज ज़्यादा होना है, वो भी इन्वॉल्व है। इट मे और मे नॉट इंटेलेक्चुअल फंक्शन, इससे इंटेलेक्चुअल फंक्शन मुतासर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लाजमी नहीं है। स्पाइना बोफिडा इज यूजली क्लासिफाइड एज आइदर स्पाइना बोफिडा अकल्टा, स्पाइना बोफिडा अकल्टा और स्पाइना बोफिडा सिस्टिका। अब ये जो स्पाइना बोफिडा अकल्टा है ना, ये माइल्ड कंडीशन है, जबकि स्पाइना बोफिडा जो सिस्टिका है ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। अब हम अगला एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डीजनरेटिव डिजीजेज। ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं हेडिंग। डीजनरेटिव डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होते हैं जो मुख्तलिफ डिजीज से मिलकर बनी होती हैं, और ये डीजनरेटिव डिजीजेज हमेशा बच्चे की मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। मोस्ट कॉमन डिजनरेटिव डिजीज फाउंड इन स्कूल पॉपुलेशन इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी डिजनरेटिव डिजीज है जो कि स्कूल एज चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन पाई जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिजीज। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? इनहेरिटेड डिजीज का एक ग्रुप है, इनहेरिट वरासती को कहते हैं। कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस, कंटिन्यूसली मसल्स वीक होते रहते हैं, फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ मसल्स फाइबर्स। मसल्स फाइबर्स के डीजनरेट होने की वजह से ये कंडीशन आती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। नेक्स्ट हम देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कंपोज ऑफ वेरियस कंडीशन, ये वेरियस कंडीशन से कंपोज किए जाते हैं, बनते हैं, दैट कैन रिजल्ट इन वेरियस लेवल ऑफ फिजिकल लिमिटेशंस। और इसका जो नतीजा होता है ना, वो भी मुख्तलिफ तरह के जो फिजिकल लेवल्स होते हैं उनमें लिमिटेशन की जरूरत सामने आता है। अभी मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स की जो दो एग्जांपल मैं वो बताना चाहूँगा आपको, इसमें जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसके बाद लिम्ब डिफिशिएंसी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं, ये है इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। कॉन्टिंजेंट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट। इसका जो इफेक्ट होता है इन प्रॉब्लम्स का, जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया है, और बच्चे की लर्निंग पे क्या होता है, बच्चा डिपेंड हो जाता है, डिपेंड करता है किस पे, इस डिजीज़ पे। ठीक हुआ तो पढ़ लिया, ठीक ना हो तो ना पढ़ा, डिपेंड कर लेता है। और इस डिजीज़ का जो सेवरिटी लेवल होता है उस पर भी बच्चा डिपेंड करता है।
एंड इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर कई एसोसिएटेड होते हैं डिसेबल बच्चों के साथ, और जो सबसे मेन जो इंडिविजुअल फैक्टर डिसेबल बच्चे के साथ वो होता है वो एक्सेप्टेंस का होता है, दूसरे उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फिर मोबिलिटी का होता है, एक्सेसिबिलिटी का होता है, टू इंडिविजुअल विद आइडेंटिकल डायग्नोसिस मे बी क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। दो बच्चे जो आइडेंटिकली एक जैसे हों लेकिन अपनी कैपेबिलिटीज में वो एक दोनों से टोटली डिफरेंट होंगे। मैनी स्टूडेंट्स विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हैव नो कॉग्निटिव लर्निंग परसेप्चुअल लैंग्वेज और सेंसरी इश्यूज। कई जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के शिकार जो बच्चे होते हैं उनको कॉग्निटिव का प्रॉब्लम कम अज़ कम नहीं होता, या सेंसरी इशू नहीं हो सकता, लैंग्वेज का कोई इस तरह का ऐसा इशू नहीं है, वो सिर्फ सफ़र कर रहे होते हैं ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट से, सिवाय न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट के जो इंडिविजुअल होते हैं उनके साथ फिर एडिशनल इंसिडेंट्स भी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं हाई इंसिडेंस ऑफ इम्पेयरमेंट, वो उनके साथ अटैच होते हैं, स्पेशली व्हेन देयर हैज बीन ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। तो जब दिमाग की ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो फिर उनके साथ एडिशनल इश्यूज होते हैं। फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के शिकार कई बच्चों के साथ द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग इज फोकस ऑन एकोमोडेशन, बच्चों को एकोमोडेट करने पे फोकस किया जाता है ताकि वो एकेडमिक इंस्ट्रक्शन तक प्रॉपर एक्सेस कर सके। अब जरा इनकी हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं, वो क्या है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स का जो क्लासरूम होता है ना वो भी डिपेंड करता है बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स पे, और ये इसी तरह जिस तरह बाकी डिसेबिलिटीज में होता है, जिस तरह कई इस तरह के स्टूडेंट में ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के शिकार बच्चों में कॉग्निशन का कोई इशू नहीं होता, इसमें जो जनरल एजुकेटर हैं या स्पेशल एजुकेटर हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं बच्चे को जनरल करिकुलम में शामिल करने के लिए जितना उनके लिए मुमकिन हो सके। अगर स्पेसिफिक एकोमोडेशन की बात की जाए उसमें स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है ताकि उनका एक बेहतरीन पोस्चर डेवलप किया जा सके, उसमें इंस्ट्रक्शन फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ग्रॉस और फाइन मोटर और ऐसी इंस्ट्रक्शन दी जाती है जिसमें फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप कराया जाता है। तीसरे नंबर पे सिक्योर सूटेबल ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन एंड अदर असिस्टेड, ऐसी असिस्टेड डिवाइसेस होते हैं जिसमें कम्युनिकेशन बच्चे की बिल्कुल सिक्योर होती है और ऑगमेंटेटिव होती है। नंबर फोर अवेयरनेस ऑफ मेडिकल कंडीशन, तमाम मेडिकल कंडीशन से बच्चे को आगाही होती है और इसका इफेक्ट भी देखा जाता है बच्चे पे। अब देखते हैं इसमें स्पेशलिस्ट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। क्योंकि आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट मल्टी फैसेटेड वे हो सकती है, डाइवर्सिटी होती है आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट में भी, तो इसमें मुख्तलिफ जो स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेशनल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो आर्थोपेडिक सर्जन के साथ हो सकते हैं, डॉक्टर के साथ। इसमें फिज़िकल थेरापिस्ट है जो बच्चे की मोटर स्किल्स पे काम करता है, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है जो बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स पे काम करता है जिसमें बच्चे के आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है ताकि वो उसके डेली लिविंग स्किल को अच्छी तरह परफॉर्म किया जा सके, एनहांस किया जा सके। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है जो बच्चे की स्पीच पे काम करते हैं, और अडाप्टिव फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं जो कि फिज़िकली एजुकेटर होते हैं, बच्चे की फिज़िकल एजुकेशन पे काम करते हैं।
अब इसमें कुछ डिसेबिलिटीज़ भी एसोसिएटेड हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। ये डिसेबिलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके साथ जो फिज़िकल एजुकेशन की जो नीड्स होती हैं उसके लिए फिर ये अडॉप्टिव फिज़िकल एजुकेशन टीचर होते हैं जो कि वहाँ पे अपना रोल परफॉर्म करते हैं। और नंबर 5 पे है अदर थेरापिस्ट, यानी कि मसाज थेरापिस्ट हो सकता है या म्यूज़िक थेरापिस्ट हो सकते हैं वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी कौन सी इन्वॉल्व है। ड्यू टू वेरियस लेवल ऑफ द सेवेरिटी ऑफ द आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के जो मुख्तलिफ जो सेवेरिटी लेवल होते हैं इसमें मुख्तलिफ तरह के जो असिस्टिव डिवाइस, मल्टीपल टाइप्स असिस्टिव डिवाइस आर यूज, जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स विद डिसबिलिटी के साथ होता है। द असिस्टिव टेक्नोलॉजी वुड नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट टू बी एबल टू एक्सेस टू द एजुकेशनल करिकुलम। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का बाकी डिसेबिलिटीज की तरह भी ये गोल होता है कि स्टूडेंट किसी तरह एजुकेशनल करिकुलम तक एक्सेस हो सके। आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट के बच्चे के लिए हम इसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। डिवाइसेस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस होती हैं जो कि बच्चे के एजुकेशन मटेरियल में एक्सेस करने में मदद करती हैं। दीज डिवाइसेस इंक्लूड कॉलर, इन डिवाइसेस में क्या है? इसमें स्पीच, नंबर 1 पे स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, नंबर 2 स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, नंबर 3 ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन बोर्ड्स हो सकते हैं ना। उसके बाद है एकेडमिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, तो ये कॉमन है। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइसेस फॉर पोजीशनिंग एंड मोबिलिटी, पोजीशनिंग और मोबिलिटी के लिए कौन सी डिवाइसेस हैं। दीज असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड डिवाइसेस फोकस ऑन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी और डिवाइसेज हैं बच्चे की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब ये डिवाइसेज कौन सी हैं, इसमें केन हो सकती है, वॉकर्स हो सकते हैं, क्रचेज हो सकते हैं, व्हील चेयर्स हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज इक्विपमेंट हो सकते हैं, स्पेशलाइज चेयर डेस्क हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वो है थोड़ा सा इसको अगर, तो ये वो चीज़ें जो उसमें एजुकेशन में बच्चों की जो आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार बच्चे होते हैं उनके साथ जो एसोसिएटेड मोबिलिटी का है या एजुकेशन का है या टेक्नोलॉजी या डिवाइस वाइज का इशू है, सॉर्ट आउट करने के लिए हम ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल लिमिटेशंस, ये क्या है? दीज लिमिटेशंस आर द लिमिटेशंस विच रिस्ट्रिक्ट द पर्सन विद आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट टू परफॉर्म एनी डेली टास्क नॉर्मली। ये वो लिमिटेशंस होती हैं जो कि आर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट का शिकार किसी भी शख्स को उसकी जो डेली टास्क है वो परफॉर्म करने में उसके लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं। अभी हम देखते हैं ज़रा इसके एग्जांपल क्या है। एग्जांपल्स ऑफ फ्यू फंक्शनल लिमिटेशंस, इसमें मोबिलिटी प्रॉब्लम है, नंबर 2 पे एकेडमिक चैलेंजेस हैं, नंबर 3 पे सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, और नंबर 4 पे है पुअर बाउल कंट्रोल है, नंबर 5 पे स्पीच प्रॉब्लम है, नंबर 6 वीक मसल टोन है, और नंबर 7 पे अनडेवलप्ड पॉस्चर्स हैं,
नंबर एट पुअर फाइन मोटर स्किल्स है, नंबर नाइन पुअर ग्रॉस मोटर स्किल्स है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि फंक्शनल लिमिटेशंस में एक जो है ना अपना किरदार अदा करती हैं। तो अब हम ज़रा इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। टू सम अप द डिस्कशंस आई मस्ट से ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हैव द फंक्शनल लिमिटेशंस विच कैन बी ओवरकम विद गुड हैंडलिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स। यकीनन इस सारी जो डिस्कशन हमने की है हमें से ये तो पता चलता है कि जो ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट होती है इसकी वजह से फंक्शनल लिमिटेशंस लाजमी होती हैं, और उस फंक्शनल लिमिटेशंस को अगर हम उसमें प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व करें, कुछ प्रोफेशनल्स को अपने साथ इन्वॉल्व करें, तो इन फंक्शनल लिमिटेशंस पे काबू ज़रूर पाया जा सकता है। वी कैन ओवरकम ऑन दिस फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। और यही एक तरीका है, दिस इज़ द ओनली वे इन विच द चाइल्ड और द पर्सन विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट टू बी एडजस्टेड नॉर्मली इन द सोसाइटी और इवन द क्लासरूम। और यही एक तरीका है कि जिससे हम एक स्टूडेंट विद फिजिकल स्टूडेंट विद ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट को क्लासरूम में और सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आज की डिस्कशन है। उम्मीद है कि आपको इस हवाले से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, एक अच्छी लर्निंग हुई होगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 4 का। सो एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक दैट आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स and part number 1 is based on introduction, so definitely this is a little long, so we have divided into various parts and we will go through the next part of the same chapter in next discussion. So I'm sure that you people have the good learning today. Thank you very much. Good luck.